नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। केंद्रीय बजट में बिहार को 59,000 करोड़ रुपए का पैकेज मिला है और इस बात पर जेडीयू और बीजेपी अपना पीठ थपथपा रही है। कह रही है बिहार को अब तक का सबसे बड़ा पैकेज मिला है, 3-3 एक्सप्रेसवे मिला और एक पावर ग्रिड बिहार को केंद्र सरकार ने दिया है। पीएम मोदी का बीजेपी और जेडीयू के नेता गुनगान कर रहे हैं। आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री का गुनगान ही नहीं किया बल्कि उन्हें बधाई दी। आज साथी हम लोग आपके बीच में ये बताने आए हैं कि भारत के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार जैसे गरीब राज्य को अपना भरपूर सहयोग देने का काम किया। बिहार जैसे राज्य जो आर्थिक रूप से कमजोर रहे तो 2017 में जीएसटी की पूरी व्यवस्था खड़ा करके जो आबादी था उसका लाभ बिहार जैसे राज्य को दिया। और देश में जब जब एनडीए की सरकार बनी, चाहे वो सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हो, तब भी विशेष सहायता बिहार को करने का काम किया गया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 2014-15 में सहयोग करने का काम किया गया और कल ही आदरणीय वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने देश में जब बजट पेश किया तो बिहार जैसे आर्थिक रूप से गरीब राज्य को, जहां बाढ़ की हम चिंता करते थे, उस बिहार को 11,500 करोड़ रुपया सिर्फ बाढ़ से सुरक्षा देने का प्रदान किया। इसके साथ साथ पहले से दो हमारे एक्सप्रेसवे सिलीगुड़ी से गोरखपुर तक का और रक्सौल से हल्दिया, दो एक्सप्रेसवे हमारे स्वीकृत थे। कल ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 3 और एक्सप्रेसवे बिहार जैसे राज्य को मिला। बक्सर से लेकर भागलपुर जो बिहार के बॉर्डर तक, पीरपैंती के इलाके तक होगा, उसको एक्सप्रेसवे बनाने का काम किया जाएगा और इसमें पूरी व्यवस्था की चिंता की जा रही है। ये सिर्फ एक्सप्रेसवे नहीं होगा, ये बिहार के लिए मील का पत्थर साबित होगा। गंगा में चाहे वो सोन का पानी हो, चाहे वो पुनपुन का पानी हो, क्यूल नदी का पानी हो, बड़ुआ नदी का पानी हो, चाहे वो चानन का पानी हो, सबको स्टोरेज करने की भी व्यवस्था इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से होगा। प्लांटेशन का पूरा एक कॉरिडोर बनेगा। उसी तरह बोधगया से वैशाली और पटना से पूर्णिया, अभी पूर्णिया खगड़िया होके लोग जाते हैं, एक नया ग्रीनफील्ड हाईवे, सुपर हाईवे जो एक्सप्रेसवे है उसको बनाने का निर्णय भारत की सरकार ने लिया। ये पूरी तरह यहाँ से जंदहा से समस्तीपुर के रोसड़ा, सिमरी बख्तियारपुर, सोनवर्षा, धमदाहा और पूर्णिया हेडक्वार्टर जाने का काम करेगा। इसलिए साथियों, लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में जहां हाईवेज में लगभग 26,000 करोड़ देने का काम किया, उसी तरह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 21,000 करोड़ रुपया के 2400 मेगावाट प्लांट लगाने का काम जो भागलपुर के इलाके में होगा, पीरपैंती के इलाके में होगा, इसको भी स्वीकृति देने का काम किया। कई एयरपोर्ट्स हैं, कई हॉस्पिटल हैं, 4 उड़ान योजना के तहत इसको टेकअप करने का काम किया गया। भागलपुर, मुजफ्फरपुर, रक्सौल और गोपालगंज,
और राज्य सरकार के द्वारा भी कई एयरपोर्ट सब बनाने वाले हैं, राजगीर है, डेहरी है, सहरसा है, इन जगहों पर भी हम राज्य सरकार के माध्यम से, हम बेगूसराय है, ये सभी जगह पर एयरपोर्ट्स का निर्माण हम लोग करने का काम करेंगे। कई मेडिकल कॉलेज हैं, चाहे वो मुंगेर का मेडिकल कॉलेज हो या कई जगह जो अभी हम शुरू करने वाले हैं, 8 लगभग मेडिकल कॉलेज को इसमें जोड़ने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। लेकिन स्वाभाविक है, कांग्रेस पार्टी जो विकास विरोधी है, यदि आज यदि 75 वर्ष से अधिक वर्ष हो रहे हैं देश की आज़ादी का, उसमें से 55 वर्षों तक सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने राज किया, यदि कांग्रेस ने विकास कर दिया होता तो दूसरे पार्टी को विकास की चिंता नहीं करनी पड़ती, दुनिया में हम आगे बढ़ गए होते। जो इकोनॉमी के तौर पर हमको चिंता करना पड़ता है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी लगातार इसकी चिंता करते हैं और 11वें स्थान से 5वें स्थान पर आर्थिक व्यवस्था को लाने का काम किया। इसलिए कई चीजें अभी और हम लोगों को काम करना है। खासकर मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि 10 लाख करोड़ रुपया इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए दिया है। 3 लाख हाउसिंग का प्लान, 3 करोड़ हाउसिंग घर बनाने के लिए पूरे देश में व्यवस्था किया गया। तो हम पूरी तरह बिहार के जितने छूटे हुए गरीब हैं सबको पक्का मकान मिले, इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि लगातार सकारात्मक पहल करके इस देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और राष्ट्रीय जनता दल कहती है, सिर्फ ट्विटर बाबा के तौर माध्यम से लोग अपना बयान दे रहे हैं, एक महत्वपूर्ण सदन का सत्र चल रहा है और आप सोचिए युवराज ही गायब है, कोई लोकतंत्र से प्यार नहीं है, ये सत्ता विरासत में मिली है लेकिन इसको संभालने का भी काम राष्ट्रीय जनता दल के लोग नहीं कर रहे। और राष्ट्रीय जनता दल वो जनता दल की सरकार रही जिसको 4000 करोड़ रुपया आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने दिया था, वो भी खर्चा नहीं कर पाई। जब एनडीए की सरकार बनी, आदरणीय सुशील मोदी जी और नीतीश कुमार जी की सरकार बनी, तब जाकर उसको उपयोग करने का काम किया गया। इसलिए लालू जी विनाश के लिए जाने जाते हैं बिहार, और आज ही देखिए, आज इतना महत्वपूर्ण कानून बन रहा था बिहार में छात्रों का जीवन खराब नहीं हो, उनके लिए कानून बन रहे थे, परीक्षा में संशोधन कानून लाए गए कि कोई कदाचार करते हुए, कोई अपराध करते हुए, कोई नकल करते हुए यदि कोई इस तरह की व्यवस्था करेगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई, केंद्र सरकार ने भी कानून बनाया और बिहार में भी कानून बनाया, लेकिन राजद के लोग, महागठबंधन के लोग उससे भी बाहर रहे। इसलिए ये विकास विरोधी है, छात्र विरोधी है, किसान विरोधी है और बिहार में सिर्फ अपराध का समर्थन राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन कर सकती है। विशेष तौर पर ही आर्थिक सहयोग है, नेपाल की पानियों से जो बाढ़ की स्थिति होती थी उसके लिए भारत सरकार ने अध्ययन कराया, कई इसमें कैनाल बनाने का काम किया जाएगा, कई जगह ब्राज बनाने का काम किया जाएगा। तो ये पूरी तरह स्टडी करने के बाद चिन्हित किया गया और इसके साथ साथ आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने जरूर घोषणा किया है कि नेपाल को भी, नेपाल की भी सहमति ली जा रही है, उनके साथ भी जुड़कर हाई लेवल डैम बनाने का काम किया जाए। ये विशेष तौर पर आर्थिक सहायता ही है जो बिहार को मिला है।